रीवा में एक स्कूटी बीच बाजार धू-धू कर जलने लगी। घटना रविवार दोपहर की है, जहां शहर के सिविल लाइन थाने के सामने अचानक चलती स्कूटी में आग लग गई, जिससे अफरातफरी का माहौल निर्मित हो गया। पहले तो स्कूटी में आग की लपट उठने लगी, देखते ही देखते आग फैलने लगी। जानकारी के मुताबिक नेहरू नगर निवासी मोहम्मद अशरफ स्कूटी लेकर ढेखा मोहल्ले की ओर जा रहा था, तभी स्कूटी से आग की लपट उठने लगी। युवक तुरंत स्कूटी खड़ी कर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। जिस जगह पर आग लगी वहां से फायर स्टेशन की दूरी मात्र 100 मीटर है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। जब तक आग बुझाई गई तब तक स्कूटी का काफी हिस्सा जल चुका था। चलती स्कूटी में आग कैसे लगी इसका ठीक ठीक पता अभी नहीं लग पाया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है गर्मी अधिक होने की वजह से स्कूटी की तार पिघल गई होगी, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूटी में आग लग गई होगी।